गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 3, मैथ्स क्लास 6, इंग्लिश मीडियम। टू नो आवर नंबर्स, अपने नंबर को जानना है, हमें नंबर्स को जानना है। तो चलिए हम कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हरप्रीत, रहीम, रेखा और राखी, चार बच्चे हैं। सबके पास कंचे हैं यानी मार्बल हैं। हरप्रीत के पास 1 मार्बल है, रहीम के पास 2 है और रेखा के पास 3 है, राखी के पास 4 मार्बल्स हैं। तो फाइंड द टोटल, ध्यान देना है क्या क्वेश्चन में वर्ड क्या बोल रही हूँ। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, तो टोटल का मतलब क्या होता है कि सबको इकट्ठा कर देना, सबको जोड़ देना, सबको मिला देना, यही मतलब है ना। मीन्स कि सबका सम निकालना। तो हरप्रीत के पास 1 मार्बल है, हम इसको काउंट करते हैं 1 एंड 2 3, और 3 रेखा के पास थे 6 हो गए, और 4 राखी के पास थे, तो 6 और 4 10, तो चारों बच्चे के पास टोटल 10 मार्बल्स हो गए चारों के मिला के। तो टोटल का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, टोटल मीन्स होता है कि सबको मिला देना। तो एडिशन यानी कि हमने ऐड किया इसमें, यही किया ना हमने। तो एडिशन का मतलब और क्या क्या हो सकता है टोटल के अलावा, हो सकता है सम हो, काउंटिंग अहेड यानी आगे बढ़ना, काउंटिंग ही तो कहते हैं हम अहेड, मतलब 4 के बाद 5 6 7 8 ऐसे तो काउंट कर रहे हैं ना। पुटिंग टुगेदर, सबको इकट्ठे रख देना। सम का मतलब यही है, सबको इकट्ठे कर दो और फिर गिन दो। ऑल टुगेदर, सबको एक साथ लाना। और हाउ मैनी इन ऑल, इन सब का मीनिंग अगर हम देखें तो इन सब का मीनिंग एडिशन होता है। इन सब का मतलब होता है एडिशन यानी कि प्लस, ठीक है। मींस कि अगर किसी क्वेश्चन में ये वर्ड आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना होगा उस क्वेश्चन में, एडिशन करना होगा, प्लस करना होगा। तो लेट्स डू, राइट इन कॉलम, ये डिजिट्स हैं इसको हम कॉलम में लिखते हैं और फिर ऐड करते हैं। कॉलम में मतलब कि एक नंबर को ऊपर लिखना है, सेकंड को नीचे। सबसे पहले हमने लिखा 72956, ठीक है, 72956। फिर राइट साइड से आप जो है यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे, 62450 इसको आप लिखना शुरू करेंगे। देखिए 6 के नीचे 0 है, 5 के नीचे 5, 9 के नीचे 4, फिर 2, फिर 6। इस तरह से हम इनको वर्ड के नीचे वर्ड लिखेंगे और अब इनको ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। 6 में 0 ऐड कीजिए, मतलब कि मेरे पास 6 टॉफी है और आपने मेरे को 0 टॉफी दी, मतलब कि कोई टॉफी ही नहीं दी, ही मतलब है ना। तो कितनी टॉफी होगी मेरे पास, यस 6 टॉफी होगी। तो 6 प्लस 0 क्या होगा, 6 होगा, नॉट 0। ध्यान देना है आपको कि 6 टॉफी, आपको इसको इस तरह से ध्यान रखना है। और आपके मम्मा ने आपको एक भी टॉफी नहीं दी, इसका मतलब आपके पास अभी भी 6 ही टॉफी है, 0 टॉफी नहीं होंगी बच्चा, ठीक है। तो 6 प्लस 0 6 होगा। नाउ 5 प्लस 5 10 होता है, 10 में 0 हम यूनिट वाला यहाँ लिखेंगे और इस 1 को कैरी कर देंगे, कैरी यानी यहाँ 1 यहाँ हम लगा देंगे नेक्स्ट डिजिट पे। अब इसको ऐड कीजिए, 9 प्लस 1 10, 10 और 4 14, 14 का 4 कैरी 1, 1 आपको कैरी करना है। 2 और 2 4, 4 और 1 5, ये तो कैरी नहीं हो रहा है, 5 अगर 9 से ऊपर होगा तभी तो कैरी करेंगे ना, 10 11 12, तो ये कोई कैरी नहीं होगा आगे। नाउ 7 और 6 को ऐड कीजिए, 13 होता है। तो इस तरह से एडिशन आपने 4th 5th में किया और आज 6th में भी आपने एडिशन सीख लिया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़े, वर्ड प्रॉब्लम। देर आर 3786 मैन, ठीक है, 3786 मैन है, 3672 वुमेन है, एंड 1508 चिल्ड्रन है। ये आपको पढ़ना आना चाहिए, 1 10 100 1000 करके आप इसको सीखिए। टोटल, टोटल पॉपुलेशन विलेज में बतानी, टोटल मतलब कि सारों को इकट्ठा करके, सबको ओवरऑल करके, काउंटिंग अहेड करके, ठीक है, टुगेदर करके, यही मतलब तो हुआ ना टोटल का। टोटल पॉपुलेशन उस विलेज में बतानी है। तो विलेज में मैन है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, तीन तरह के तो हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले मैन कितने हैं, आपने लिख दिया, वुमेन कितने हैं वो भी लिख दिया, एंड चिल्ड्रन कितने हैं। अब इनको हम टोटल करेंगे यानी टोटल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब इसमें मैन वुमेन चिल्ड्रन सब आ गए। तो चलिए ऐड करते हैं, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 ऐसे लिखते हैं,
16 का 6 यहाँ लिखेंगे और ये 1 कैरी हो हाँ जाएगा। अब 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 का 6 1 कैरी, 7 और 1 8, 8 में 6 जोड़िए 14, 14 और 5 19, 19 का 1 कैरी हो गया, 9 यहाँ आ गया। अब 6 और 6 3 और 3 6 और 2 8 हो गया। इस तरह से ये एडिशन हो गया वर्ड प्रॉब्लम का, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इनको कॉलम में लगाना। जैसे हमने ये एग्जाम्पल किया ना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 वैसे ही है। पहले इनको कॉलम में अरेंज करते हैं और उसके बाद इसका हम एडिशन करते हैं। तो ये लिखते हैं 5 4 1 और इसके नीचे ये होगा 6 5 4। तो चलिए ऐड कीजिए, ऐड करते हैं। क्या ऐड होगा? 4 और 5 कितना होता है बच्चों, बताइए? 4 और 5 होता है, सॉरी 4 और 5 नहीं, पहले 4 और 1 कीजिए। 4 और 1 5 हो गया। आप लेफ्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है? ध्यान कहीं हो गया था। 4 और 5 9 होगा। यहाँ पे कोई कैरी हो रहा है? नहीं हो रहा ना, 9 से ऊपर होगा जब भी तो कैरी होगा ना, तो कोई कैरी नहीं होगा, कोई ऊपर कैरी नहीं आएगा। और 5 और 6 11, तो सीधे हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है? टोटल करना है तो आप प्लस का सिंबल जरूर लगाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट 8 5 4 1, 8541, 5 4 8 7। अब इसको ऐड करते हैं, चलिए ऐड करते हैं फटाफट। बताइए 1 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है? 8 आ गया। नाउ 8 और 4 कितना होता है? 12 होता है, 12 का 2 आएगा और कैरी हो गया ना, ये तो 2 डिजिट नंबर हो गया तो कैरी चला जाएगा। 1 डिजिट नंबर अगर आएगा तो कैरी नहीं होगा। देखिए 12 ऐसे लिखते हैं तो इसमें जो यूनिट डिजिट है यहाँ पे होगा और ये 1 कैरी चला जाएगा ऊपर। 5 और 1 6, 6 और 4 10 होता है, 10 की कितना होगा बच्चों? 0, कैरी होगा 1। अब इसको जोड़िए, 8 और 1 9 और 9 और 5 14, क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमारा आ गया 14028, ठीक है? नाउ थर्ड पार्ट करते हैं इसका, 1 2 3 थर्ड पार्ट, 1 2 5 4 5 और इसके नीचे आएगा 4 5 8 1 5। अब इसको हम एडिशन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 और 5 10, 10 की 0, कैरी होगा 1। अब इसको ऐड कीजिए, 4 और 1 5 और 1 6, 6 का 6 ही उतरेगा, 2 डिजिट नंबर तो है नहीं, कोई कैरी आउट नहीं होगा, ठीक है? यानी यहाँ पे कोई नंबर हम कैरी नहीं कर सकते। अब 5 और 8 को जोड़िए, 13 होगा, 13 का 3 आ गया और कैरी होगा 1। अब इसको ऐड कीजिए, 2 और 1 3 और 3 और 5 8 आ गया, यहाँ भी कोई कैरी नहीं हो रहा है तो इसको यूं ही छोड़ देंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, 4 और 1 5, तो जहाँ 9 से ऊपर नंबर होते हैं ऐड करने पे वहीं आगे कैरी करते हैं, नहीं तो नहीं करते। तो हमारा आंसर आ गया 58360। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए पढ़ते हैं। एक आदमी है, उसने प्लक मतलब कि तोड़े 435 मैंगोज एक ट्री से तोड़े हैं, दूसरे ट्री से उसने 450 मैंगोज तोड़े हैं, सेकेंड ट्री लिखा है ना, एंड थर्ड ट्री से उसने 295 तोड़े हैं। तो टोटल, टोटल मतलब प्लस, सबको जोड़ना है, टोटल उसने कितने मैंगोज तोड़े? तो मैंगोज क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए? मैंगोज फ्रॉम फर्स्ट ट्री, है ना? फर्स्ट ट्री कितने तोड़े? ऐसे ही मैंगोज फ्रॉम सेकेंड ट्री कितने हैं? ऐसे ही मैंगोज फ्रॉम थर्ड ट्री, है ना? ट्री 1 ट्री 2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं लिखना आ रहा है, तो कितने हैं? तो चलिए देखते हैं, पहला था 435, फिर 450 है, 435, फिर है 450, ऊपर क्वेश्चन लिखा आप अपने वर्कशीट में देख लेना, एंड
295, 295, तो चलिए ऐड करें इसको, हम इसको ऐड करते हैं। तो ये ऐड करने पे आएगा क्या बच्चों, क्या तोड़े थे उसने, मैंगोज ना, तो ये आंसर मैंगोज ही आएगा, यानी टोटल मैंगोज आएगा हमारा ये, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, टोटल मैंगोज। ठीक है, तो चलो देखते हैं, 5 और 5 10, 10 में 0 ऐड करेंगे तो 10 ही होगा, 10 की 0, कैरी आउट 1, ठीक है, तो 5 और 3 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, और 9 और 9 कितना होता है बच्चों, 18, 18 का 8 कैरी आउट 1, अब 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 में वो कैरी जोड़ दीजिए 1, 11, तो 1180 मैंगोज जो है टोटल उसने प्लक किए थे तीनों पेड़ों से। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। इसको बोलते हैं 1118। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आएगी, तो कमेंट में आप बताइएगा सम का क्या क्या मतलब हो सकता है एडिशन का। ठीक है, आपके कमेंट का वेट रहेगा। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।